हेलो एवरी वन यू आर वेलकम टू वैश्नोस ट्यूटोियल अगेन एंड टुडे वी विल बी कम्प्लीट इंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होपफली यू हैव वॉस्ट द प्रीवियस वन हमने पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बहुत सारे रूल्स देखे थे और अब हम अगला शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं यू पी टी या लेक्चरर उत्तराखंड एल उत्तराखंड या कोई भी ग्रामर का अगर फुल कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वी कैन चेंज अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे कि ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था तो यहाँ से ही हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन uh, कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाते हैं ना कि मीनिंग में मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए तो हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं और अगर हमें ऐसा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा किसी एक वर्ड या एक फ्रेज को या एक क्लॉज uh, में उसे हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा इन द सेम वे वी कैन चेंज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इंटू सिंपल सेंटेंस हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को भी सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं दिस इज डन बाई रिड्यूसिंग अ क्लॉज इंटू अ वर्ड और अ फ्रेज़ हम क्या कर देते हैं जो एक क्लॉज uh, है उसे वर्ड या फ्रेज में रिड्यूस कर देते हैं कम कर देते हैं उसके बाद अगर हम रूल्स uh, की बात करें तो शुरुआत हमने इसमें देखा था कि रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेज फर्स्ट जो है अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे नन फाइनाइट वर्ब में नन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करेंगे तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने ग्रामर पे बनाई थी और उसे आप देखिए अगर आपको नन फाइनाइट वर्ब्स की यूसेज देखने हैं फाइनाइट वर्ब्स के यूसेज देखने हैं जैरन कहाँ पे यूज़ होता है वो देखना है तो आप देखिए पीछे वाली वीडियो आपको ये क्लियर हो जाएगा डोंट यूज़ एनी कंजक्शन हम कंजक्शन यूज़ नहीं करते ऑलवेज़ मेंटेन द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस और हमें जो मीनिंग है उसे मेनटेन करके रखना पड़ता है उसे चेंज नहीं करना होता टू ट्रांसफॉर्म इन कंपाउंड सेंटेंस और अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लाइक एन बट और एंड सो एंड देन ये हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें याद रखने अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस अब आप एक चीज आपको शॉर्टकट और बताता हूँ कि अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस पहचानना है तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी यूज सेपरेट सब्जेक्ट एंड वर्ब्स फॉर ईच कलॉस और आपको सेपरेट सब्जेक्ट और सेपरेट वर्ब भी आपके वहाँ पर होनी चाहिए तब वो कम्पाउंड सेंटेंस माना जाता है ऑलवेज मेनटेन द मीनिंग ऑफ गिवन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है कि आपको मीनिंग आपको मैंटेन करके चलनी है मीन्स मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए टू ट्रांसफॉर्म इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करना है यूज़ सबॉर्डिनेटिव कंजेक्शन लाइक दो तो हमें सबॉर्डिनेटिंग कंजेक्शन याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन और जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें कौन सा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सभी चीजें आप नोट करते हुए चलिए यूज सेपरेट सब्जेक्ट्स एंड वर्ब फॉर ईच क्लॉज और हमें सेपरेट सब्जेक्ट और वर्ब यूज करनी है और मीनिंग उसका मेंटेन करके चलना है एग्जाम्पल देख लेते हैं वैन एज सिंस बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं वर्ब प्लस आई एन जी और अगर बीइंग यूज हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि सिंपली अगर बींग यूज हो रहा है तो एक्टिव एंड पैसिव हम कर रहे होंगे और बिकॉज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड तो यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वैन ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे सिंपल बना दिया हमने सीइंग द पुलिस ही रैन अवे सींग पुलिस ही रैन अवे तो इस आपको एक एग्जाम्पल कम से कम आपको याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से अगर याद नहीं होता है तो बार बार लिख कर आप याद कीजिए उससे आपको जो एक तरह से पिक्चराइजेशन मेथड है उसके ज़रिए आपको काफ़ी जल्दी याद हो जाता है कंपाउंड ही सॉ द पुलिस एंड रन अवे रन अवे कॉम्प्लेक्स अगर हमें बनाना है एज़ सॉरी यहाँ पर हमने कंपाउंड बनाया इसका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था आपका वो था आपका वैन ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे सिंपल सेंटेंस बनाया द पुलिस ही रैन अवे कंपाउंड जो सेंटेंस बना है वो है ही सॉ पुलिस एंड क्योंकि यहाँ पे हमने कंजक्शन यूज किया है नेक्स्ट है आपका एज ही वॉज इल एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम कि वो क्या था बीमार था इसलिए वो आ नहीं पाया सिंपल सेंटेंस हमने यूज किया है बींग इल he could not come because of his illness इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं because of his illness he could not come तो आपको ध्यान रखना है देखिए being ill here you are using seeing the police so you can use uh, such words you can change आप change कर सकते हैं simple sentence बनाने के लिए compound he was ill and so he could not come तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब हम compound बना रहे हैं तो हमारे पास क्या है conjunctions हैं इफ़ अनस अगर ये आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है तो हम उसे किस तरह से चेंज करेंगे तो अगर इफ़ अनलेस अगर आपका कॉम्प्लेक्स में है तो आप बाय वर्ब आई एन जी विदाउट वर्ब और आई एन जी सिंपल फॉर्म यूज कर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे और वर्ड आप कंपाउंड के लिए बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है आपके पास इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड ये आपका क्या है सिंपल सेंटेंस है जैसा हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास इफ़ या अनलेस से आपका क्या था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था बाय वो प्लस आई एन जी यहाँ पे बाय वर्किंग हार्ड आपने यूज़ किया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड के लिए क्या करना है आपको और वर्ड यूज़ करना है इफ़ अनलेस के साथ अगर इफ़ और अनलेस आया है तो वर्क हार्ड और यू वॉन्ट सक्सीड रिलेटिव प्रोनाउन डब्ल्यू एच वर्ड अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है तो आप किस तरह से यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एंड से कोई वर्ड जुड़ा है तो आप उसे एडजेक्टिव एडवर्ब यूज करके डायरेक्ट uh, एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करके यहाँ पर uh, आप उसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं और डब्ल्यू एच लगा कर आप उसे कॉम्प्लेक्स uh, सेंटेंस बना सकते हैं ठीक है तो ये भी आपका एक तरीका है कि फर्स्ट है आपका दिस सम विच हैज़ बीन डन बाय हिम वॉज वेरी हार्ड अब हम इसे सिंपल बनाएंगे तो सम द सम डन बाय हिम वाज वेरी हार्ड कंपाउंड सेंटेंस है द सम वाज डन बाय हिम एंड इट वाज वेरी हार्ड तो कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि हमें एंड इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं एंड और कॉम्प्लेक्स सलाम सलम एज़ अ बॉय हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट तो अगर हमारे पास हु विच इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं सलम इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड कम्पाउंड एज सलम इज़ वेरी सलम एज अ बॉय एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट तो हम जब भी कम्पाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों पार्ट के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए इसका सब्जेक्ट हो गया ही और इसका सब्जेक्ट हो गया सलम कॉम्प्लेक्स इट वॉज डे लाइट वैन ही वो कप तो आपने फिर से देखा होगा कि जब भी वैन आ रहा है तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है विच आ रहा है हु आ रहा है तो इस तरह से अगर आपके दो सेंटेंसेज जुड़े हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे आ, वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का की हेल्प लेनी पड़ेगी सिंपल सेंटेंस ही वो कप एट डे लाइट कंपाउंड सेंटेंस ही वो कप एंड इट वॉज डे लाइट एंड और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा है सिंपल सेंटेंस ही एडमिटेड हेज गिल्ट एंड कंपाउंड ही एडमिटेड एंड ही वॉज गिल्टी दो ऑल दो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को यूज करना है इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ सिंपल बनाने के लिए और बट आपको यूज करना है कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स दो ही ट्राइड हार्ड ही फेल्ड सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड ही फेल्ड कंपाउंड सेंटेंस आपका बनता है He tried hard but failed. तो आपका बट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी आपके कंपाउंड सेंटेंस हो रहे हैं तो एंड बट और इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं जो हमने शुरुआत में देखे थे उसके बाद है सो so दैट अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सो so दैट आता है तो आपको टू इन्फिनेटिव सिंपल सेंटेंस और एंड कंपाउंड के साथ में यूज़ करना है यहाँ पर है आपका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वी ईट सो दैट वी कैन लिव वेल सिंपल वी ईट टू लिव वेल एंड कंपाउंड आपने बनाया वी ईट एंड वी लिव वेल यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइजेस हैं आप इन्हें कंप्लीट कीजिए फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है आप लोग uh, आपके, आपके आपके पास सेंटेंस है आई वॉज सो आई सॉ सॉरी आई सॉ अ अफुल गर्ल बींग सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग मे टू अर्न द रिवॉर्ड She was too poor to educate her children. I have informed him for his success. In spite of being tall, he does not play football. Change the complex sentences into compound sentence complex compound Though he is not sick, he feels weak. As soon as the electricity went out, the thief entered the house. If you work hard, you will shine in life. If you do it, you will die. The man went home so that he could see his grandson. Exercise see me. I went to his home, but he did not meet me. He was ill and so he could not attend the meeting. I woke up and received your cell phone, your phone call. Work hard and you will be successful. सॉ अ स्नक एंड किल्ड इट एट वंस अब आपका जो नेक्स्ट तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का वो है आपका सुपरलेटिव कंपरेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेज को चेंज करके सुपरलेटिव को आप पॉजिटिव में सुपरलेटिव को आप कंपरेटिव में या कम्परेटिव को आप सुपरलेटिव या पॉजिटिव में या पॉजिटिव सेंटेंस को कंपरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हो तो इससे भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो अगर आपके पास नो अदर एज़ एज ये पॉजिटिव में आया है तो आप जो कंपेरेटिव फॉर्म होगा वो देन एनी अदर आपका कंपेरेटिव फॉर्म बनता है सुपरलेटिव फॉर्म में आपको एडजेक्टिव uh, की फॉर्म यूज़ करनी होती है तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको समझ में आएगा पॉजिटिव जो है आपका नो अदर सिटी इज़ एज़ बिग एज़ ढाका इन बांग्लादेश एंड कंपेरेटिव में बन रहा है आपका कि ढाका इज़ बिगर तो आपने देखा कि कंपैरेटिव में आपका देन यूज़ होता है एनी अदर सिटी इन बांग्लादेश सुपरलेटिव है आपका ढाका इज़ बिगेस्ट सिटी इन बांग्लादेश अगर आपके पास वेरी फ्यू एस एज अगर बनाना है आपको तो पॉजिटिव में आपको यूज़ करना है आ, ये अगर यूज़ हुआ है आपके पास वेरी फ्यू एस एस तो कंपैरेटिव फॉर्म में आपको एडजेक्टिव के साथ में देन एंड मोस्ट अदर यूज़ करना है तो आप ध्यान से आप लोगों को नोट क्या करना है नोट करना आपको कि अगर आपके पास नो अदर एज़ एज आया पॉजिटिव में तो आपको न एनी अदर यूज़ करना है लेकिन अगर आपके पास वेरी फ्यू एज एज आया है पॉजिटिव में तो आपको एडजेक्टिव के साथ में देन मोस्ट अदा यूज करना है देन मोस्ट अदा ये कंपरेटिव में यूज करना है वन ऑफ द ये सुपरलेटिव फॉर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा सुपरलेटिव फॉर्म में तो चलिए पॉजिटिव जो है आपके पास में वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रश एज गोल्ड ये है अब आपके पास है कंपरेटिव कंपरेटिव में आपने क्या यूज़ करना था देन मोस्ट अदा राइट right? यहाँ पे आपके पास है वेरी फ्यू यहाँ पे देन मोस्ट और यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट देखिए तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनी है गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशस मेटल गोल्ड क्या है uh, सभी मेटल्स में से सबसे प्रेशस है अगर हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव अगर हमारे पास सेंटेंस है करीम इज एज गुड एज रहीम तो हमारे पास कंपरेटिव बन जाएगा रहीम इज़ नॉट बेटर देन करीम रहीम इज नॉट बेटर देन करीम मीन्स दोनों एक जैसे हैं पॉजिटिव आई एम एज स्ट्रोंग एज ही एंड कंपरेटिव आप बनाएंगे ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन आई यहाँ पे आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि याद कि हम सब्जेक्टिव केस रखते हैं ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन मी की जगह आपका होगा ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर दैन आई ओके okay, तो ज़्यादातर ये आपका ग्रामर जो कोर्स है उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं बहुत डिटेल में आपको बताई हैं पॉजिटिव नो अदर मेटल इज़ एज़ यूज़फुल एज आयरन आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी अदर तो क्योंकि यहाँ पे नो no अदर आया है तो आपको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा एनी अदर आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल मेटल्स ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में बन जाएगा अब आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी को लिख लीजिए और कोशिश कीजिए इनको चेंज करने की नो अदर डिश इन द मेन्यू इज एज चीप एज मटन चॉप वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन दर्ल्ड आर एज स्मॉल एज बांग्लादेश ही इज़ एज स्ट्रोंग एज लॉन चेंज फ्रॉम कंपरेटिव टू सुपरलेटिव फॉर्म रूमी इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास Shimu is smaller than most other girls in the team. chitgong is bigger than any other seaport in bangladesh. change from superlative into positive. Aapko, uh, change karna hai superlative form. say positive form. it writes as finest of any pen. the cow is one of the most beautiful useful animal. shakespeare is greatest of all. ड्रोमेटिस्ट नाउ जो नेक्स्ट है आपके पास में एक्टिव या पैसिव हम चेंजेस करते हैं अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो ये भी पार्ट मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करवाया है इसे हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं अब अगर हम एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस की बात करें तो एक्टिव और पैसिव होता क्या है जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो होता है सारा फोकस पॉइंट सब्जेक्ट होता है और जो पैसिव है उसमें ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट होता है मीन्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारे लिए इम्पॉटेंट होता है और एक्टिव में जो सब्जेक्ट ने किया वो हमारे लिए इम्पॉटेंट होता है या हम उस पर फोकस करते हैं तो चलिए अब हम ध्यान से इसे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव सो वॉइस हमारे पास दो हैं मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि फोकस इज ऑन एक्शन यहाँ पे हमारे पास में एक्शन या ऑब्जेक्ट पर हमारा फोकस होता है यहाँ पर हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड सब्जेक्ट डज आपके पास में अगर एक सेंटेंस है आई मस्ट डू इट तो इट मस्ट बी डन बाय मी तो यहाँ पर क्या है कि आपका आई मस्ट डू इट यहाँ पे जो आई है सब्जेक्ट वो क्या है उसका जो एक्शन है वो क्या है इंपॉर्टेंट है जबकि इट मस्ट बी डन तो यहाँ पर हमारे पास क्या है हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं चार्ट आपको आप लोगों को पहले ही मैं क्लियर करवा चुका हूँ ग्रामर सेक्शन में लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि हमारे जो टेंसेज हैं वो पूरे क्या है आपके टोटल ट्वेल्व टेंसेज होते हैं ट्वेल्व टेंसेज में आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ टेंसेज जो हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में तो उनमें कौन कौन से टेंसेज हैं एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इसे हम चेंज नहीं करते हैं नेक्स्ट है आपका पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इसे हम चेंज नहीं करते एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हम चेंज नहीं करते हैं पैसिव uh, में राइट सो right. so, आप लोगों को बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका आप फॉर्मेट देख सकते हैं कि जो एक्टिव uh, में है वो क्या है और जो पैसिव में है वो क्या है आप लोग इससे नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इससे पहले नहीं किया है तो अफोमेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि जैसे लिखा है कि गीतांजलि वॉज रिटर्न बाय टैगोर ये आपका पैसिव वॉइस है अगर हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है टैगोर तो हम टैगोर को आगे ले आएंगे तो टैगोर क्या हो ये हो जाएगा आपका टैगोर और क्योंकि यहाँ पे वॉज रिटर्न है तो इससे हमें पता चलता है कि पैसिव वॉइस का इंडेफिनिट है पास टेंस में तो हम इसे यूज करेंगे किस तरह से इसे हम सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे ये हो जाएगा टैगोर रोट और फिर हमें पता है कि जो गीतांजलि है ये आपका है ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट था आपका यह ऑब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे गीतांजलि रोट टैगोर ते, ते, रोट गीतांजलि और राइट right, तो ये आपका शॉर्ट में आप लोगों ने समझ लिया होगा तेग और गीतांजलि इसे अगर हमें चेंज करना है सेम तो हम क्या करेंगे जो गीतांजलि है आपका ऑब्जेक्ट है उसे शुरुआत में ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कि गीतांजलि गीतांजलि अब क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो इसमें हमें वर्ज़ या वर्म में से एक यूज़ करना पड़ेगा तो वोज़ और आप लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो वोज़ रिटर्न तो राइट की आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाय आप बाय यूज़ करेंगे और बाय के बाद आपको और यूज़ करना है तो ये आपका एक सिंपल uh, सेंटेंस का हमने चेंजेस किए लेकिन जो कंपटीशन बेस्ड जो सेंटेंसेस है अब उनके बारे में बात करते हैं कंपटीशन लेवल वहाँ से शुरू होता है कि जैसे बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि जब भी हम पैसे वॉइस यूज़ करेंगे तो हमें बाय यूज़ करना है तो अब बाय हमें जहाँ से यूज़ नहीं करना है उन जगह को हमें पता होना चाहिए तो अगर आपके पास में जो डुबर है सेंटेंस का वो वो ज़्यादा ओबियस हो ऑल right, बहुत ही ज़्यादा ओबियस हो या वो अननोन हो या तो उसका पता ना हो जैसे माई वॉच वॉज स्टोलन अब मुझे नहीं पता किसने चोरी की है तो मैं यहाँ पे बाय सम वर्ड यूज़ नहीं करूँगा या आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर कहीं पे सेंटेंस uh, में एक्टिव वॉइस में समवन वर्ड यूज आ रहा यूज़ हो रहा है तो हम बाय समवन यूज़ नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस हो जाएगा माय वॉच वॉज स्टोलन तो अगर मैं इसे एक्टिव वॉइस में यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा समवन समवन स्टोल माय वॉच समवन स्टोल माय वॉच तो उसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा माय वॉच वॉज स्टोलन नेक्स्ट है आपका इन सन केसेस वेन दिस ऑब्जेक्ट इज़ एक्टिव एज मटीरियल ऑफ सब्स्टांस बाई प्रपोजिशन इज़ नॉट यूज जैसे गैस फील्ड द किचन द किचन इज़ फील्ड विद गैस तो आप लोगों का क्या हो मटेरियल हो जो ऑब्जेक्ट है तो उसे हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पर आपका क्या है गैस है तो ये गैस आपका क्या है एक मटीरियल है सब्स्टांस है तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट में होगा तो आप इसे बाय करके नहीं लिखेंगे तो आप लिखेंगे द किचन इज़ फिल्ड विद गैस तो यूजुअली इसमें हमारा विद प्रपोजिशन यूज होता है समटाइम्स देर आर टू ऑब्जेक्ट्स नन डूअर्स इन एक्टिव सेंटेंस जैसे ही टीचेस अस इंग्लिश तो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही टीचेज अस इंग्लिश तो यहाँ पे अस भी आपका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं आगे ला सकते हैं आप इंग्लिश को भी एज एन ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जैसे इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय हिम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और अस को भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं अनचेंज एक्सटेंशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब दे केप्ट मी वेटिंग आई वॉज कैप्ट वेटिंग तो अगर आपके पास पे इस तरह से सेंटेंस है तो आप उसे सिंपली विदाउट बाय यूज कर सकते हैं तो आपके जो ये केसेज हैं कि कहाँ कहाँ हमें बाय यूज़ नहीं करना है इसे आप लोगों को नोट डाउन करना है हियर द वर्ड वेटिंग इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब जो वेटिंग है वो एक्चुअल में क्या है वो कैप्ट का कॉम्प्लीमेंट है एंड इट इज़ नॉट चेंज्ड इन पैसि वॉइस सो इसे हम पैसि वॉयस में चेंज नहीं करते हैं अब कुछ सेंटेंसेज हैं जिनको कि हम पैसि वॉइस में ही रखते हैं हमेशा जैसे गेट एंड पास्ट पार्टिसिपल अगर यूज हो रहा है जैसे आई गॉट ड्रेस्ड एज क्विकली एज पॉसिबल तो हम इसे पैसि वॉयस में ही यूज़ करेंगे एंड सम गॉट हर्ट इन द किचन अगर इस तरह से कोई भी अगर आपके पास पास्ट के बाद आ, गेट के बाद अगर आ, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो आप उसे सेम वही रखेंगे उसे आप चेंज नहीं करेंगे कुछ अदर प्रपोजिशंस होते हैं जिन्हें हम बाय की जगह यूज़ करते हैं आ, बस यही से आ, मैं आप लोगों को वीडियो में भी, मैंने आपको पर, पिछली वीडियो में भी बताया था कि कॉम्पिटिशन जो लेवल है उसे टच करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन वही से आते हैं क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि सभी इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं बेसिक चीज़ें सभी को पता होती है जैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करना है वो तो सभी को पता है लेकिन जहां से कॉम्पिटिटिव लेवल स्टार्ट होता है जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्टिव पैसिव की बात करें तो सबको पता है कि पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है लेकिन ये जो बाय का यूज है वो कहाँ नहीं होगा अगर आप लोगों को ये पता है तो आप, आपकी तैयारी ठीक मानी जाएगी योर कंडक्ट सरप्राइज मी अब जब भी आपके पास सरप्राइज़ आएगा तो सरप्राइज़ के साथ आपका प्रेपोजिशन आपको याद रखना है एट आता है आई एम सरप्राइज्ड एट योर कंडक्ट हिज़ न्यूज़ अलामड अगर अलामड आया है तो उसके साथ भी आपको एट यूज़ करना है तो आप इनको सिंपली जो इनको याद करने का तरीका है वो ये है कि सरप्राइज़ के साथ आप एट वर्ड एक लिस्ट बना लीजिए अलार्म वर्ड के साथ आप एट इस तरह से आप लोग प्रपोजिशन की लिस्ट बना लीजिए इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में बहुत डिटेल मैंने देख आ, बात की है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए अगर आपको बेयर इन्फिनेटिव समझ नहीं आती इन्फिनेटिव या नन फाइनाइट समझ नहीं आती तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं मैंने बहुत डिटेल में उस समय आपको समझाया है ही मेड मी लाफ तो पैसिव हो जाएगा आपका आई वॉज मेड टू लाफ ही वॉज़ अ मैंगो फॉल Uh, sorry he saw a mango fall uh, passive a mango was seen to fall you will always uh, you know uh, find that i always uh, make mistake reading this one i don't know what happens but it happens to me and that is that's been a uh, long time since it's been, uh, been happening so just uh, leave this thing he saw a mango fall uh, a mango was seen to fall नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट केस है आपका इन केस ऑफ इंफिनेटिव अगर हम इंफिनेटिव यूज़ कर रहे हैं अगर आप लोगों को तो नहीं पता कि इन्फिनेटिव क्या होता है तो टू के साथ अगर फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं पैसिव में हम क्या यूज करेंगे टू बी एन वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखिए पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है एक्टिव आई वॉन्ट टू डू इट पैसिव बन जाएगा इट वॉज़ वॉन्टेड टू बी डन बाई मी आप लोगों को बहुत डिटेल में मैं इससे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो कोर्स है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेसिक से समझाई हैं कि, कि किस तरह से ये चेंज होती है तो यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों को इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मैं जाज ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस गो थ्रू करवा दूं जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में ओके okay, तो अगर आपके पास में मॉडल यूज़ हो रहा है तो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं ऑब्वियसली बात है तो हम यहाँ पे बी का बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आई कैन डू इट इट कैन बी डन बाय मी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं डू यू वांट इट सो इज इट वांटेड बाय यू ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट विद ऑक्सिलरी वर्ब्स इन एक्टिव सेंटेंसेस कैन दे सॉल्व दिस कैन दिस बी सॉल्व बाय दैम तो आप लोगों ने देखा कि अगर मॉडल यूज़ होता है तो हमें बी और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का क्वेश्चन है वॉट डू यू वॉन्ट सो वॉट इज़ वॉन्टेड बाई यू क्योंकि ये जो है डू से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू और डज़ यूज़ होता है अगर हम पैसि वॉइस में आएँगे तो डू do, डज की जगह इज़ एम आर यूज़ होता है तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि अगर डू डज यूज़ होगा तो आप लोगों को पैसि वॉइस में इज़ एम आर यूज़ करना होता है इम्परेटिव सेंटेंसेज होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं ये आप ध्यान रखिए इंपरेटिव सेंटेंसेज में आपके ऑर्डर और कमांड आती हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये लेट से आपके शुरू होंगे ओके पैसिव लेट सब्जेक्ट वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सारी चीज़ें लेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिछले जो कोर्स है उसमें भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि लेट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं लेट हव वेट हीय लेट हव बी टोल्ड टू वेट हीय तो आपको इसे चेंज करना आना चाहिए और अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसे चेंज कैसे करना है तो फिर से वही ट्रिक अपनाइए कि आप इसे बार बार लिखिए आप लोगों के माइंड में ये छप जाएगा क्लोज ऑल द गेट्स लेट ऑल द गेट्स बी क्लोज तो आप इसे ठीक उल्टा भी कर सकते हैं अगर पैसिव वॉइस अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो पहले आप इस लाइन को लिखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए uh, और उसे एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए जैसे ये सेंटेंस आप लिख लीजिए लेट ऑल द गेट्स बी क्लोज और फिर उसे चेंज कीजिए क्लोज ऑल द गेट्स अगर आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं तो पहले ये सेंटेंस लिखिए तो ये सेंटेंसे जो बनाए गए हैं इसमें काफ़ी आप, आपको हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव लेवल टच करने में इन केस ऑफ एडवाइस और सजेशन अगर शुड मस्ट बी पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है तो आप इस तरह से यूज करेंगे टेक मेडिसिन ऑन टाइम मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई है टू गिव मी सम मोर टाइम सो यू आर रिक्वेस्टेड अगर प्लीज़ कहीं पर आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड आपको यूज करना होता है यू आर रिक्वेस्ट टू गिव मी सम मोर टाइम मल्टीपल क्लॉज अगर आपके पास में है तो उसे हम किस तरह से चेंज करेंगे इन केस ऑफ इट इज़ अगर आपके पास इट इज़ आ रहा है या देर इज़ आ रहा है तो आपको इसे ध्यान रखना है किस तरह से यूज करेंगे द फर्स्ट क्लॉज रिमेन्स अनचेंज एंड द रेस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो चलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका क्या रहता है अनचेंज रहता है एक्टिव इट इज टाइम टू चेंज आवर होम इट इज टाइम आवर होम टू बी चेंज तो यहाँ पे इट इज टाइम आपका सेम रहेगा और बाकी इसमें आप चेंज करेंगे तो होम अव होम टू बी चेंज तो ये आपका सेंटेंस है लास्ट पार्ट जैसा हमने देखा कि अगर इट इज़ या देयर इज़ आता है तो आपको इसे चेंज नहीं करना है फर्स्ट वाले को आपको सेकेंड वाले पार्ट में चेंजेस लाने होते हैं देर इज़ नो टाइम टू लूज़ देर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे नोट no डाउन जरूर कीजिए इन अदर केसेज द होल ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट uh, है आपका वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है एवरी वन सेज़ दैट ही इज़ अ फूल दैट ही इज़ अ फूल इज सेड बाय एवरी वन देखिए आपका जो uh, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ही इज़ अ फूल ये आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो आप लोग उसे ही क्या बना देंगे दैट ही इज अ फूल इज सेड बाय एवरी वन तो इस तरह के जो ट्रिकी सेंटेंसेज हैं उनमें uh, हर कोई अटक जाता है क्योंकि ये जनरल लैंग्वेज में ना तो यूज़ होते हैं जनरल हम जब क्लासेस में कई लोग क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है बस यहीं से अगर आपने यहीं आप ख़ुद को एक्सिलेंट कर लिया है यहीं पर आप लोगों ने देख लिया है कि ये चीज़ें किस तरह से होंगी तो अगर ये पेपर में आ चुकी हैं और आपने इन्हें सही कर दिया है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिवर्सल जनरल स्टेटमेंट इट इज़ बिलीव्ड और इट इज़ होप्ड इट इज सेड इज यूज इन पैसिव द रेस्ट ऑफ द क्लॉज रिमेन्स अनचेंज्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं सभी आपको नोट डाउन जरूर करने हैं इन केस ऑफ यूनिवर्सल जनरल स्टेटमेंट इट इज़ बिलीव्ड और इट इज़ होप्ड इट इज़ सेड इज यूज इन पैसिव द रेस्ट ऑफ द क्लॉज रिमेंस अनचेंज्ड एक्टिव पीपल बिलीव दैट ही इज स्किल्ड इट इज बिलीव्ड दैट ही इज स्किल्ड सॉरी पीपल बिलीव्ड दैट ही इज़ स्किल्ड एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ स्किल्ड जो जब हम यूनिवर्सल या जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो इस तरह से आपको यूज़ करना है जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है या क्लॉज है उसको आपको चेंज नहीं करना है एक्टिव जो है आपका नेक्स्ट सेंटेंस दे ड्राफ्ट एप्लीकेशंस एंड टाइप दैम एप्लीकेशंस आर ड्राफ्टिड एंड टाइप्ड टेकिंग एज अ वर्ब एक्टिव ही रीड्स टू आवर्स टू आवर्स आर टेकन इन रीडिंग बाय हिम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज हैं तो आप लोगों को इन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है क्योंकि जनरल ये यूज नहीं होते हैं तो अगर ये यूज नहीं हो रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें याद भी नहीं होती है यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें दिसज दिस सन राइज इन द ईस्ट इट इज़ सैड दैट इट इज़ सैड द सन राइजेज़ इन द ईस्ट तो ये आपका क्या है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या यूनिवर्सल बात है कि ये सभी को पता है तो हम उन्हें स्टार्ट करते हैं इट इज़ सैड से हम इसमें चेंजेस नहीं करते हैं When एडजेक्टिव इज ऑब्जेक्ट इन एक्टिव तो हनी टेस्ट स्वीट हनी टेस्ट स्वीट हनी इज़ स्वीट when इट इज़ tasted. हनी टेस्ट स्वीट हनी इज़ स्वीट when इट इज़ टेस्टेड वन सब्जेक्ट इज दर्ब ऑफ दब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वैन सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जब आपका जो सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है वर्ब का द काउज आर मिल्किंग द काउज आर मिल्किंग द काउज आर बींग मिल्क राइट सो यहाँ पर आपका क्या है uh, आप देख सकते काउज आर मिल्किंग तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कैसे बन गया सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे बना है देखिए काओ का जो है मिल्क निकाला जा रहा है तो इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है काओ पे पर अगर हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो जो काओ है वही क्या आपका सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है आपका मिल्किंग तो इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है सब्जेक्ट पे तो सब्जेक्ट ही आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया तो अगर आपका सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है तो आप उसे इस तरह से यूज करेंगे द आर बींग मिल्क इसमें आपके पास एक्सरसाइज हैं द पीपल ऑफ बांग्लादेश मेनली ईट राइस ही अनॉयज मी पैनिक सीज्ड मी फायर बर्न द शिप द लेडी फैंस हर सेल्फ हनी टेस्ट स्वीट द मैन न्यू मी दे आर दे मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास बाय मी अ बुक डू द वर्क सो दिस दिस एक्सरसाइज यू शुड डू एंड प्रैक्टिस योर सेंटेंसेस विद दिस वी एंड द वीडियो एंड होप फुली यू लर्न अलॉट फ्राम द वीडियो इफ़ यू लर्न समथिंग फ्राम दिस वीडियो प्लीज़ डू सम ऑफ द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स यू कैन यू प्रॉब्ली यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं चैनल के साथ में आप चाहते हैं कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिले वीडियोस का तो आप जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए और बने रहिए आपकी जो सफलता है उसमें हमारा थोड़ा सा हाथ हो जाए यही हम हम लोगों के लिए अचीवमेंट है सो विद दिस वी एंड दिस सेशन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो